चंद्रपूरच्या राजुरा येथील निवासी शाळेच्या हॉस्टेलमधील अल्पवयीन आदिवासी विद्यार्थिनीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात चंद्रपूर पोलिसांनी आज एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. या प्रकरणात तक्रार करण्यासाठी पुढे आलेल्या सर्व 7 विद्यार्थिनींवर अत्याचार झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात पुष्टी झाली असून आता या अहवालामुळे तपासाला बळ मिळणार आहे. सोबतच पोलिसांनी एक विशेष तपास पथक व एक महिला विशेष पथक या प्रकरणाच्या तपासासाठी गठीत केलं आहे. या प्रकरणात हॉस्टेलच्या एका चौकीदाराला देखील पोलिसांनी आज अटक केली असून आरोपींची संख्या आता 5 झाली आहे. पीडित मुलींवर झालेल्या अत्याचाराचे पुरावे गोळा करण्यासाठी केवळ महिला पोलीस कर्मचारी असलेल्या 2 चमू वसतिगृहातील सर्व विद्यार्थिनींच्या घरी जाऊन बयान नोंदवित आहे. विशेष म्हणजे शाळेचे सर्व ट्रस्टी आज तपास चमू पुढे प्रथमच हजर होणार असून त्यांचे देखील बयान नोंदविण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळा व हॉस्टेलचा ताबाही पोलिसांनी घेतला आहे. दरम्यान या प्रकरणातील 5 आरोपींना 25 एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली असून या प्रकरणाच्या तपासात हयगय केली जाणार नसल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी यांनी दिली आहे. प्रवीण गोंगले, चंद्रपूर. राजुरा में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे 2 लड़कियों को राजुरा में तबीयत ठीक नहीं बोल के उसने एडमिट किए थे. उनको तबीयत वहाँ पे ठीक नहीं हुआ था, उसको चंद्रपुर में रेफर किए थे. चंद्रपुर में रेफर करने के बाद 2 दिन पीडियाट्रिशियन ने ट्रीट किया. उसके बाद उसको डाउट आने के बाद उसने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया. गायनेकोलॉजिस्ट ने टेस्ट करके उसको सस्पिशियस केस ऑफ सेक्सुअल असल्ट बोल के उसने रिपोर्ट दिया. रिपोर्ट देने के बाद उसने पीडियाट्रिशियन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसने ट्रीटिंग डॉक्टर उसने रिपोर्ट उसको फॉरवर्ड किया. फॉरवर्ड करने के बाद ये लड़कियों को स्पॉन्सर कर रहे थे प्रोजेक्ट ऑफिसर. प्रोजेक्ट ऑफिसर ने 12 तारीख में पुलिस के पास रिपोर्ट दिया. पुलिस ने FIR दाखिल किया. FIR दाखिल करने के बाद अभी तक हमने 5 आरोपी का अरेस्ट किया और बाद में जो लड़कियां इसी कंप्लेंट से आई है उनको भी हमने मेडिकल टेस्ट करवाया. अभी तक 7 लड़कियों का उसका सेक्सुअल अब्यूज बोल के उसने डॉक्टर का रिपोर्ट आई और रिपोर्ट हमने दाखिल किया और सब पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है और स्टेटमेंट और एविडेंस भी हम कलेक्शन करना शुरू है चालू है. इसके लिए कौन सी टीम बनाई है? इस कारण में हमने जिला लेवल में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया. SDPO राजुरा शेखर देशमुख का नेतृत्व में और उसके साथ में हमने 14 लोग दिया. ये 14 लोग मिलके इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं. और कितनी लड़कियां इसमें आ सकती हैं उसके बारे में मैं